दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और वाराणसी के लोकप्रिय सांसद, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ढेर सारी सौगात और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आए वाराणसी संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों बहनों और उपस्थित नागरिक बंधुओं, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आज के इस पावन स्थली पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम लोग जिस विचार परिवार में कार्य करते हैं, उस विचार परिवार की दृष्टि से इस स्थल का अत्यंत महत्व है। अंत्योदय के प्रणेता, भारतीय राजनीति में अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए भी शासन की योजनाओं को सुलभ कराने के जिस संकल्प को आज से 5 दशक पहले जो सपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया देखा था, आज जब आजादी के बाद भारतीय राजनीति में 70 वर्ष के बाद वो सपना साकार हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण, हर गरीब को मकान मिलना, हर गरीब को राशन की सुविधा का लाभ मिलना, देश के हर गरीब के पास अपना व्यक्तिगत शौचालय होना, हर गरीब को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा का लाभ मिलना, हर एक घर में विद्युत का कनेक्शन होना और प्रत्येक व्यक्ति को शासन की योजनाओं के लाभ के साथ साथ शासन की योजनाओं में जन सहभागिता के माध्यम से समृद्धि के पथ पर हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, यह सपना जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तो स्वाभाविक रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना साकार हो रहा है और आज उनके इस भव्य स्मारक का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी की धरती पर, चंदौली की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं काशी बाबा विश्वनाथ की पावन धरती है। युगों युगों से काशी की गाथा दुनिया में गाती जाती रही है, लेकिन 100 वर्ष पहले 1916 में जब पूज्य बापू काशी आते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर की गलियों को देख करके, गंदगी को देख करके 100 वर्ष पहले टिप्पणी करते हैं, 100 वर्षों तक किसी की नजर नहीं पड़ी गांधी जी के उन वचनों पर, लेकिन काशी के लोकप्रिय सांसद की नजर पड़ी और आज काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम बनने की ओर अग्रसर है और दुनिया की ओर एक बार फिर से दुनिया की निगाहें काशी की ओर गई हैं। काशी की समृद्धि, काशी का विकास और काशी ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र के साथ साथ समृद्धि के भी उस नए प्रतिमान के माध्यम से दुनिया में अपना स्थान बनाएगी, इस दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व आज काशी वासियों को प्राप्त हो रहा है। 1254 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात लेकर के काशी वासियों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को, विकास संबंधी ढेर सारी योजनाओं को लेकर के आए हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज प्रधानमंत्री जी काशी को एक और नई सौगात दे रहे हैं और वह है महाकाल एक्सप्रेस का। माननीय रेल राज्य मंत्री भी इस मंच पर हैं, यहां से महाकाल के दर्शन करने के लिए, विश्वनाथ से महाकाल तक की यात्रा को सुलभ बनाने के लिए एक और नई सौगात काशी वासियों को, मैं आप सबको हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं।
भाइयों बहनों, ये चंदौली जनपद स्मारक, पंडित जी का ये स्मारक चंदौली जनपद में है, चंदौली संसदीय सीट पर है, लेकिन दोनों ओर वाराणसी संसदीय सीट से घिरा हुआ है और चंदौली जनपद अपनी समृद्धि यहां के किसानों के द्वारा किए जा रहे कार्यों के माध्यम से हम सब देखते हैं। साथ साथ अघोराचार्य बाबा कीना राम जी की पावन धरती भी है और भगवान अवधूत राम का पवित्र साधना स्थली यहीं निकट यहीं पर इस स्मारक स्थल से सटा हुआ है। मैं इन पूज्य संतों के चरणों में नमन करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आज यहां पर हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है, मैं उनका एक बार फिर से उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, काशी के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, काशी और चंदौली जनपद से जुड़े हुए आप सभी भाइयों बहनों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से आज के इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी में आगमन, प्रधानमंत्री की दूसरी पारी प्रारंभ करने के बाद देश की उन आकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए जिस युद्ध स्तर पर कदम बढ़ाया है, भाइयों बहनों, कोई सोचता था कि इस देश में तीन तलाक की कुप्रथा से किसी को मुक्ति मिल पाएगी? कोई सोचता था कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो पाएगी? कोई सोचता था कि दुनिया के पीड़ित मानवता के लिए जिस भारत ने दरवाजे खोले थे, आजाद भारत में फिर ये संभव हो पाएगा? और कोई सोचता था कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो पाएगा? आज प्रधानमंत्री मोदी जी इन सभी कार्यों को मूर्त रूप देकर के हमारे बीच में आए हैं और इसलिए भी मैं एक बार फिर से पूरे उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सबको मैं इस अवसर पर, इस स्मारक के लोकार्पण के अवसर पर बधाई देता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।